नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम है सेतराम और आप देख रहे हैं ग्रोथ फार्मर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अभी के सीजन में धान में तना छेदक का बहुत ज़्यादा अटैक लगा हुआ है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं धान में तना छेदक के साथ टॉप दवाइयों के बारे में। तो अगर आपको पूरी और सटीक जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सातवें नंबर पर हमने रखा है करटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% WG। WG मतलब वेटेबल ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। वहीं इसकी डोज के बारे में बात करें तो यह 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तना छेदक नीचे लगा होता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। वहीं आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं जिसमें टेक्निकल हो करटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% WG। और करटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फॉर्म में भी आता है। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा वीडियो का और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। और ये तो हो गया सातवां नंबर। छठवें नंबर पर हमने रखा है सिंजेंटा कंपनी की अलिका, जिसमें टेक्निकल होता है थेमाथोक्साम 12.6% प्लस लेमडा साइलोथ्रीन 9.5% ZC फॉर्म में होता है। यह भी कई कंपनियों की आती है, आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। वहीं इसकी डोज के बारे में बात करें तो 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा, मतलब 15 लीटर पानी में 15 ml और 20 लीटर पानी में 20 ml, 200 लीटर पानी में 200 ml दवाई को घोल कर आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ आप सिलिकॉन बेस चिपकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पैकिंग साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी पैकिंग साइज 40 ml, 80 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर की आती है। वहीं इसकी 200 ml की कीमत लगभग 700 से 800 रुपये के करीब पड़ती है। वहीं स्टेट वाइज ये प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। पांचवें नंबर पर हमने रखा है एडामा कंपनी की इंपीरियल, जिसमें टेक्निकल होता है बाइफेंथ्रिन 10% EC, मतलब ईसी मतलब इमल्सिफाइबर कॉन्सेंट्रेट। यह भी कई कंपनियों की आती है, जैसे ट्रॉपिकल का बैनर, देवी पेस्टिसाइड का देवडी और कई कंपनियों की आती है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं। धान में तना छेदक की शुरुआती अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी डोज के बारे में बात करें तो 15 लीटर पानी में 30 ml दवाई, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 200 लीटर पानी में 400 ml दवाई को घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसकी पैकिंग साइज के बारे में बात करें तो इसकी पैकिंग साइज 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर की आती है। वहीं इसकी 500 ml की कीमत लगभग 450 से 550 रुपये के बीच में पड़ती है। वहीं स्टेट वाइज ये प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इसका भी कंप्लीट वीडियो बन चुका है मेरे चैनल पे, आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चौथे नंबर पर हमने रखा है एम्प्लीगो, जिसमें टेक्निकल होता है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 9.3% प्लस लेमडा साइलोथ्रिन 4.6% ZC फॉर्म में होता है। वहीं इसकी डोज के बारे में बात करें तो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल कर आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं इसकी पैकिंग साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी पैकिंग साइज 25 ml, 80 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर की आती है। वहीं इसकी 80 ml की कीमत लगभग 900 रुपये के करीब पड़ती है। यह भी धान में तना छेदक के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और तीसरे नंबर पर हमने रखा है बायर कंपनी की वाइबो, यह नया फार्मूला है, पिछले ही साल लॉन्च की है बायर ने, जिसमें टेक्निकल होता है टेट्रा नीलीप्रोल 18.18% SC फॉर्म में होता है। SC मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। इसकी डोज के बारे में बात करें तो 2 लीटर पानी में 1 ml दवाई, मतलब 100 ml दवाई को 200 लीटर पानी में घोल कर आप प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, मतलब 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज है। वही पैकिंग साइज़ के बारे में बात करें तो 100 ml की आती है इसकी पैकिंग साइज़ और 250 ml की, 500 ml की और 1 लीटर की आती है। वहीं यह थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और आप इसका उस उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर हमने रखा है बायर कंपनी की ही फेम, जिसमें टेक्निकल होता है फ्लुबेंडामाइड 39.35% SC फॉर्म में होता है। SC मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। यह अभी तना छेदक में बहुत अच्छा
काम करता है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो थोड़ी कॉस्टली जाती है। इसकी 20 ml की कीमत लगभग 200 रुपये के करीब पड़ती है। और पहले नंबर पर हमने रखा है कोराजेन, जिसमें टेक्निकल होता है क्लोरेंट्रानीलिप्रोल 18.5% SC फॉर्म में होता है, जो कि FMC कंपनी की आती है, जो सफ़ेद गाढ़े द्रव के रूप में होता है। इसके अल्टरनेटिव के बारे में बात करें तो कई कंपनियों की आती है, जैसे ट्रॉपिकल की टेक्जेन, स्वाल का किंस्टा और कई कंपनियों की आती है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वही 60 ml की कीमत लगभग आपको 1100 से 1200 रुपए के करीब पड़ती है। इसकी पैकिंग साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी पैकिंग साइज़ 10 ml, 30 ml, 60 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग साइज़ में आती है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।